हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जिब्रा। जो लोग एल्जिब्रा से डरते हैं, एक्स वाई प्लस वन से डरते हैं, उनके लिए मैंने एक नया मुहिम चालू किया है, नया कॉन्सेप्ट चालू किया है आज से जो कि स्टार्ट हो रहा है। उनके लिए मैंने एक मतलब वीडियो बनाया है। हर रोज वीडियो आएगा जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उनको। तो जिनका एल्जिब्रा वीक है, जो भी बच्चे हो, चाहे वो जिस स्टैंडर्ड पढ़ते हो, जिनका एल्जिब्रा वीक है, प्लस माइनस एक्स वाई से बिल्कुल नफरत है, वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और इंजॉय करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से चालू होता है? एल्जिब्रा से। ओके, एल्जिब्रा का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपका कंप्यूटर एग्जाम और जो एकेडमिक्स है वहां पे हर जगह इसका यूजफुल है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल बरकरार रहिएगा वीडियो में, बहुत ही इंजॉय आने वाला है। ओके, नाउ जो एल्जिब्रा होता है वो एक्चुअली बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। उस पार्ट्स का नाम क्या है मालूम है आपको? उस पार्ट्स का नाम है कॉन्स्टेंट। क्या नाम है? कॉन्स्टेंट नाम है, ठीक है? और दूसरा जो चीज है वो क्या है आपका मालूम है? वेरिएबल। इन्हीं दो चीजों से मिलकर हमारा जो है एल्जिब्रा फॉर्म हुआ है, एल्जिब्रा की शुरुआत हुई है, ठीक है? वैसे भी देखा जाए तो एल्जिब्रा के फाउंडर कौन थे? माना जाता है अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी को क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ एल्जिब्रा। ओके, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहीं से होती है। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, दैट मीन्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, ये हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? वेरिएबल्स यानी जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उनको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे क्या? एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है? इन दोनों को अगर मिला देंगे हम लोग, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को, फिक्स्ड वैल्यूज वाले और अनफिक्स्ड वैल्यू वाले को अगर मिलाते हैं तो वो क्या बन के आता है? टर्म्स बन के आता है। क्या बन के आता है? टर्म। टर्म मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट ऑफ जैसे क्या? जैसे आपका मान लीजिए 2x+y, दो टर्म से मिलकर बना है। अच्छा, जो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएबल को जब कंबाइन करेंगे ना, तो या तो प्लस की साइन या फिर माइनस की साइन लगाते हैं, ठीक है? तभी वो दो टर्म्स वाला माना जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे टर्म्स हमारा क्या होगा? 2x होगा, प्लस या फिर डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की साइन हो सकती है। जैसे 2x/5 मल्टीप्लाई या फिर डिवाइडेड टर्म्स होगा। ये वन टर्म है, सेकंड टर्म है 3x², एक और टर्म है 5y², ये भी क्या है? टर्म। तो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएबल को मिलाने के बाद क्या बनता है हमारा? टर्म्स बनता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के साइन हो सकती है। साइन नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई कुछ नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई है और डिवाइड तो डिवाइड रहेगा, ये हमारा टर्म्स हुआ। अब कई सारे टर्म्स को जब मिलाते हैं तो बनता है क्या? एक्सप्रेशन। क्या बनता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स, दो या दो से अधिक टर्म्स को मिलाएंगे और सेपरेट करने वाला साइन कौन है? प्लस या फिर माइनस। दो टर्म्स को सेपरेट करने वाला साइन ये है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या? जैसे हमारा 2x+y, तो ये क्या है? दो टर्म मिलकर बना, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। 3x² + 5, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स कैसे माइनस लगा दीजिए तो भी एक्सप्रेशन है। सेपरेट कैसे होगा? प्लस या माइनस से। 2x² + 3x+5, ये भी हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है, हैविंग थ्री टर्म्स। देन एक्सप्रेशन इज नोन, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स इज नोन एज द एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। एलजेब्रा की शुरुआत कहां से हुई? कॉन्स्टेंट से, वेरिएबल से, ठीक है? कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या मिल के आएगा? टर्म्स बन के आएगा। टर्म्स कैसे होगा? या तो
मल्टीप्लाई में रहेगा या फिर डिवाइड में रहेगा, तो टर्म्स होता है, जैसे ये सब हमारा टर्म्स है, कई सारे टर्म्स को लेंगे, दो या दो से ज्यादा टर्म्स को लेंगे अगर, तो क्या फॉर्म होके आएगा हमारा, एक्सप्रेशन फॉर्म के होके आएगा, और यही से एलजेब्रा की शुरुआत होती है। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एलजेब्रा, क्लियर है। अब हम लोग सीखते हैं क्या, सीखते हैं हम लोग एडिशन। क्या सीखेंगे हम लोग, हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन। ठीक है, अब आगे देखिए, कोफिशियंट क्या होता है वो जान लीजिए पहले। ठीक है, जैसे 2x² + 5x + 3 है, तो यहां पे अगर हमने कहा कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या है आपका, 2 है। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स कहा जाए तो ये क्या है, 5 है। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमारा है क्या, सॉरी ओके, तो ये हमारा क्या होता है, कॉफिशियंट होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, जैसे 2x² + 3x + 5, इसकी ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर क्या है, 2 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। दूसरा लेते हैं जैसे कि क्या, 3x⁴ + 2x³ + 5x + 9, यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर है क्या, 4। ओके ओके, ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ, एलजेब्रा में एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसका एडिशन चालू करेंगे। ओके okay?